नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो उन किसान भाइयों को समर्पित है जो भिंडी की खेती करना चाहते हैं, किंतु उन्हें यह दुविधा रहती है कि कौन सा बीज बोएं जिससे उन्हें बेहतर फसल एवं पैदावार मिल सके। दोस्तों, आज हम एडवांटा गोल्डन सीड की दो बेहतरीन वरायटी F1 हाइब्रिड भिंडी बीज राधिका और नव्या के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको इनकी विशेषताओं और इनको बोते समय क्या सावधानी रखें यह भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राधिका भिंडी के बारे में। एडवांटा गोल्डन सीड की F1 हाइब्रिड भिंडी बीज है। इसकी विशेषता है कि यह गर्मी एवं बारिश के मौसम में पीला नहीं होता एवं इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। बेहतर उपज के साथ साथ यह बाजार में ग्राहकों को काफी पसंद आता है। राधिका भिंडी बीज बोते समय यह ध्यान रहे कि यदि आप इसे गर्मी के मौसम में बोना चाहते हैं तो इसे 1.5 फीट की दूरी पर बोएं अथवा पौधे से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर गुड़े 45 सेंटीमीटर रखें, क्योंकि इसमें शाखाएं निकलती हैं और यह छोटे पौधे से ही फल देना शुरू कर देता है। राधिका भिंडी बीज 2.5 से 3 केजी बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। इस भिंडी की प्रथम तुड़ाई आप 45 दिन पर कर सकेंगे। इसके मूल्य की बात करें तो हमारे पास राधिका भिंडी बीज का 100 ग्राम का पैकेट है जिसपे 800 रुपए MRP है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडवांटा गोल्डन सीड की हाइब्रिड भिंडी बीज नव्या के बारे में। यह भिंडी एक बेहतरीन भिंडी बीज है। गर्मी में यह भिंडी बीज आप 45 सेंटीमीटर गुड़े 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बो सकते हैं, अर्थात पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर। यह भिंडी भी गर्मी एवं बारिश के मौसम में पीला नहीं होता। इसकी प्रथम तुड़ाई आप 42 से 45 दिन पर कर सकेंगे। इसके मूल्य की बात करें तो हमारे पास नव्या भिंडी का 100 ग्राम का पैकेट है जिसपे 610 रुपए MRP है। यह दोनों भिंडी बीज आप सर्दी एवं गर्मी दोनों मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन ठंडक के मौसम में यह दोनों बीज घना एवं नजदीक बोया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। यदि आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।